नमस्कार दोस्तों, यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं केशव प्रताप सिंह। दोस्तों, मैं 2013 में वापस आया था दिल्ली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, और 2014 से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। और अब समय आ गया है दिल्ली को बाय बाय बोलने का। जाते हुए दुख तो होता है, लेकिन खुशी की बात भी है कि मैं कुछ अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, अच्छे पोजिशन पर जा रहा हूँ। आज दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 15 दिसंबर की तारीख है और इस समय मैं अपने लाइफ के एक बहुत ही व्यस्ततम फेज से गुजर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, व्यस्तताओं के कुछ प्रोफेशनल रीजंस भी हैं, पर्सनल रीजंस भी हैं। हालांकि ये व्यस्तता बहुत ही इंजॉय भी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये व्यस्तता समझिए कि कई चीज़ों का इंतजार था जो कि चीज़ें पूरी हो रही हैं। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि मेरी शादी भी फिक्स हो गई है और जल्दी मैं शादी के बंधन में बंधने वाला हूं। साथ ही मैं जल्दी ही अब जाकर के बिहार एजुकेशन सर्विसेज को ज्वाइन करने वाला हूं। संभवतः मैं 18 दिसंबर को ज्वाइन कर लूंगा। अभी हम लोगों को प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिसाइड नहीं है, कौन सा जिला मिल रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन होगा हम लोगों का। अभी सभी लोग पटना में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं भी वहीं ज्वाइन करूंगा। तो 15 दिसंबर की ये वीडियो है, हो सकता है कि मैं इसको पोस्ट जब तक करूं तब तक कुछ और टाइम निकल जाए, क्योंकि इधर बहुत ही भागम भाग है और आज ही मेरी ट्रेन भी है और मुझे रात की ट्रेन पकड़नी है, बहुत सारा पैकिंग करना है और शिफ्ट करना जानते ही अपने आप में इतना आसान काम नहीं होता है। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिला है और आगे भी उम्मीद करता हूं कि मिलता रहेगा। मैंने ये चैनल जो सोच के शुरू किया था कि आप लोगों को जितना भी सप्लीमेंट कर सकूं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने खुद के अनुभव से, अपने दोस्तों के अनुभव से, तो वो काम मैं करता रहूंगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी समय से मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो सही है क्योंकि इस समय इतनी व्यस्तता थी। कॉलेज में भी सारे पेंडिंग काम खत्म करने थे, कॉलेज छोड़ना है, तो कॉलेज छोड़ने से पहले आप लोग जानते ही हैं बहुत सारी औपचारिकताएं हों जो पूरी करनी होती हैं। साथ ही इंगेजमेंट और शादी के बीच का समय है, वो भी एक बहुत ही अच्छा फेज माना जाता है लाइफ का, तो थोड़ा बहुत शादी की शॉपिंग भी करनी है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो दोस्तों, पटना ज्वाइन करने के बाद मुझे लगता है कि चीजों में थोड़ा स्थायित्व आएगा। हालांकि जब तक हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन नहीं होता है तब तक तो पूरी तरह से स्थायित्व नहीं आएगा, पर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि पटना पहुंचने के बाद कि फिर मैं वीडियोस आप लोगों के लिए कंटिन्यूअस लेके आऊं। इस बीच में नहीं ला सका। और दूसरी चीज, व्यस्तता का एक और कारण है कि मैं खुद भी अपनी तैयारी में लगा हुआ हूं। इंटरव्यू है मेरा जनवरी में यूपीपीएससी 2016 का, तो उसकी तैयारी के चक्कर में भी मैं अभी और चीजों पर समय बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहा हूं। तो संभवतः 10-11 जनवरी के बाद से मैं और ज़्यादा समय दे पाऊंगा। और कुछ चीज़ें मैंने प्लान की है आप लोगों के लिए, बिहार पीसीएस से संबंधित, यूपी पीसीएस से संबंधित, सोशल वर्क से संबंधित और डिफेंस स्टडीज से रिलेटेड, जीएस के जो पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड, कुछ जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें मैंने प्लान की है और जल्दी ही हम लोग ये काम शुरू करेंगे। मैं बहुत व्यस्त होने के कारण ये चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ अभी, पर 10-11 जनवरी के बाद कुछ समय निकाल के इन चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग लाइन पे ले आएंगे। देखिए, हमारे चैनल पे जो कुछ भी रहेगा वो वीडियो जितने भी रहेंगे वो सभी हमेशा फ्री रहेंगी। मैं कभी कोई पेड ग्रुप हम लोग शुरू करने का इरादा नहीं रखते हैं, स्पेशली ऑनलाइन। अगर कुछ होता है वो ऑफलाइन होगा तो उसके लिए अभी नहीं कुछ कह सकते, जो भी प्लान होगा वो तब की बात तब होगी, लेकिन ऑनलाइन में अभी हम लोग कुछ इसको पेड करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जब आप लोगों के पास पहुंचेगी उसके बाद मैं फ्री हो चुका रहूंगा और कुछ वीडियोस और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।